भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार के सहयोग से ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन से सकुशल वापस लौटे छात्रों में छत्तीसगढ़ से दुर्ग पुलगांव निवासी दिव्यांश दुबे के लौटने पर भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग द्वारा उसका स्वागत अभिनंदन कर उनके परिवार की कुशलता की जानकारी ली गई। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर दुर्ग जिला भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवार से संपर्क कर उनका सहयोग करने में लगे हुए हैं। शुक्रवार को एक छात्र के दुर्ग पहुंचने पर अभिनंदन किया गया। अनुभव मतलब रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करते तक तो मतलब बहुत बुरे दिन बीते थे। जब यूक्रेन से लेकर रोमानिया बॉर्डर तक के तो मतलब कि बहुत भय से भरे दिन बीते थे। जो रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद की। हम लोग इंडिया आ पाए हैं, सेफ आ पाए हैं, तो खाली इंडियन गवर्नमेंट के कारण है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद करी। इंडियन गवर्नमेंट के कारण ही हम सेफ है और भी अपने मम्मी पापा के साथ है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम सारे के सारे बहुत आभारी हैं मोदी जी के। जितने लोग प्लेन में आए, जितने लोगों की जान बची, हजारों इंडियंस जो आ रहे हैं, हम एयरफोर्स में बैठ के आए थे। हमको कभी नहीं लगा था कि हम एयरफोर्स जैसे मतलब कि C-17 ग्लोब मास्टर में हम कभी भी बैठेंगे, लेकिन हम उसमें बैठ के इंडिया, हमको मतलब कि बहुत रिस्पेक्टफुल फील हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें। मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो बिल्कुल मुमकिन है। मोदी है भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद क्योंकि उनके मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उनके चलते बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को मिली हैं। बहुत परेशानी में थे बच्चे, पर अब सब कुशल घर वापस आए हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशन में छत्तीसगढ़ से भी जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे और जो बच्चे वहां पे फंसे हैं उनकी सूची भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग को आई है, जिससे हमने परिजनों से बात की है। और सौभाग्य से आज का दिन हमारे अच्छा रहा कि राकेश दुबे जी से मैंने बात किया तो उन्होंने हमें एक शुभ संकेत दिया कि मैं अपने बेटे को लेने के लिए एयरपोर्ट आया हुआ हूं। और आज दुबे जी सकुशल और स्वदेश लौटे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से और पूरे दुर्ग जिलेवासी की उन सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो परिवार के लोग वहां यूक्रेन में हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय संगठन से जो सहायता चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सहायता चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर सहायता करने के लिए उनके साथ में खड़ा हुआ है, उनके परिवारों के साथ में खड़ा हुआ है। आज दुबे जी को और उनके परिवार को चेहरा मुस्कुराते हुए देख करके हम बहुत खुशी हो रही है। यही भावना के साथ में पुनः आपको बहुत बहुत बधाई।